यह डीजल लोकोमोटिव का वाटर कूलिंग सिस्टम है। डीजल इंजन में पावर स्ट्रोक के समय जब तेल जलता है तो अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। इस गर्मी की 25 से 30 प्रतिशत मात्रा कंबस्टन चेंबर के संपर्क में लगे उपकरण जैसे पिस्टन, सिलेंडर हेड इत्यादि में समा जाती है। इस गर्मी से उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए उपकरणों को ठंडा करना अति आवश्यक है। इसके लिए WDM2 डीजल लोकोमोटिव को कृत्रिम तरीके से ठंडा करने के लिए प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम को अपनाया गया है, जो कि एक बंद परिपथ की तरह कार्य करता है। अब हम आपको वाटर कूलिंग सिस्टम के कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। रेडिएटर रूम के ऊपर दो टैंक 155 प्लस 155 कुल 310 लीटर क्षमता के लगे होते हैं, जिसमें यह एक्सपेंशन टैंक है और यह एक्सटेंशन टैंक है। लोकोमोटिव में पूरे वाटर कूलिंग सिस्टम की क्षमता 1210 लीटर होती है। टैंक में पानी की ऊंचाई 14 इंच होती है। इस टैंक के ऊपर एक वाटर फिलिंग कैप लगा होता है, जिसके द्वारा सिस्टम में पानी भरा जाता है। एक्सटेंशन टैंक भी एक्सपेंशन टैंक की तरह ही होता है, परंतु इसके ऊपर वाटर फिलिंग कैप के स्थान पर वाटर प्रेशराइज्ड कैप लगी होती है। यह दोनों टैंक आपस में दो पाइपों के द्वारा जुड़े हैं, जिसमें यह ऊपर वाला वेंट पाइप है तथा यह नीचे वाला वाटर इक्वलाइजिंग पाइप है। वाटर इक्वलाइजिंग पाइप दोनों टैंकों में पानी का स्तर समान बनाए रखता है। वाटर एक्सपेंशन टैंक में जब पानी वाटर फिलिंग कैप को खोलकर भरा जाता है, तब यह पानी स्टारवेशन पाइप के द्वारा इनलेट साइड में आता है। एवं पूरे सिस्टम को पानी से भर देता है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू करती है, वाटर पंप क्रैंकशाफ्ट पर लगे गियर से चाल लेकर घूमता है। वाटर पंप में लगे इंपेलर के घूमने से इंपेलर केसिंग में वैक्यूम बनता है, जिसको तोड़ने के लिए पानी वहां पहुंच जाता है। वहां से पानी 2.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से आउटलेट पाइप द्वारा निम्नलिखित चार रास्तों से इंजन के विभिन्न पुर्जों को ठंडा करने के लिए जाता है। हम आपको एक एक करके इन चारों कनेक्शंस के बारे में बताते हैं। पहले कनेक्शन में पाइप से पानी इंजन ब्लॉक के दाहिने तरफ के सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ बनी वाटर जैकेट में जाता है। जहां यह सिलेंडर लाइनर्स को ठंडा करता है, वहां से वाटर जंपर पाइपों के द्वारा सिलेंडर हेड्स में चला जाता है, जहां यह सिलेंडर हेड्स को ठंडा करता है। फिर वहां से वाटर राइजर पाइपों द्वारा इंजन के दाईं तरफ वाले वाटर रिटर्न पाइप में आ जाता है और वाटर रिटर्न पाइप के अंतिम सिरा यानी इंजन फ्री एंड की तरफ पर लगे बबल कलेक्टर में पहुंचता है। जैसे ही पानी बबल कलेक्टर में पहुंचता है, बबल कलेक्टर के पानी में गर्मी के कारण उत्पन्न हुए बुलबुलों को समाप्त कर देता है तथा जो पानी वाष्प बन जाता है वह वेंट पाइप के द्वारा एक्सपेंशन टैंक से एक्सटेंशन टैंक में चला जाता है। फिर बबल कलेक्टर से पानी पाइप के द्वारा ETS मैनिफोल्ड पर पहुंचता है। ETS मैनिफोल्ड पर ETS1, ETS2, ETS3 तथा वाटर टेम्परेचर गेज लगे होते हैं।
वाटर टेम्परेचर गेज इंजन ब्लॉक से आए पानी के तापमान को दर्शाता रहता है। ETS मैनिफोल्ड से पानी बाईं तरफ के रेडिएटर में चला जाता है, जहां यह वातावरण की हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद यह पानी रेडिएटर रूम में लगे ल्यूब ऑयल कूलर में जाकर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा करते हुए वाटर पंप की इनलेट पाइप में आ जाता है। दूसरे कनेक्शन में पाइप से पानी इंजन ब्लॉक के बाईं तरफ के सिलेंडर लाइनर्स के चारों तरफ बनी वाटर जैकेट में जाकर सिलेंडर लाइनर्स को ठंडा करता है। वहां से वाटर जंपर पाइपों के द्वारा सिलेंडर हेड में जाकर उसे ठंडा करता हुआ वाटर राइजर पाइपों के द्वारा इंजन के बाईं तरफ वाले वाटर रिटर्न पाइप में आ जाता है। वाटर रिटर्न पाइप के फ्री एंड पर लगे बबल कलेक्टर में जाकर पानी में उत्पन्न हुए बुलबुले को समाप्त कर देता है। तथा जो पानी वाष्प के रूप में रह जाता है वह वेंट पाइप के द्वारा एक्सटेंशन टैंक में चला जाता है। बाईं बबल कलेक्टर से पानी दाईं तरफ के रेडिएटर में चला जाता है, जहां वह वातावरण की हवा के संपर्क में आकर रेडिएटर फैन की सहायता से ठंडा हो जाता है। 64 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टेम्परेचर पर रेडिएटर फैन घूमना शुरू करता है और 68 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टेम्परेचर पर यह फैन अधिकतम गति 1250 आरपीएम को प्राप्त कर लेता है। तापमान के 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाने पर ड्राइवर्स केबिन में ड्राइवर को हॉट इंजन का एक ऑडियो विजुअल संकेत प्राप्त होता है। तब ड्राइवर उचित कार्यवाही करते हुए फास्ट पंपिंग प्रक्रिया के द्वारा वाटर टेम्परेचर को कम करता है। ठंडा होने के बाद यह पानी वाटर पंप के इनलेट पाइप में मिल जाता है। इसी पाइपलाइन से एक कनेक्शन इंजन के लेफ्ट साइड एक्सप्रेसर रूम में लगे वाटर ड्रेन कॉक को दिया गया है, जो कि बंद अवस्था तथा सील्ड रहता है। तीसरे कनेक्शन में पानी वाटर हेडर के पाइप से इंजन फ्री एंड पर लगे आफ्टर कूलर में जाता है। यहां यह ट्यूब्स में बहता है तथा टर्बो सुपरचार्जर से आई कंप्रेस्ड हवा को ठंडा करता है। इसके बाद यह पानी वाटर पंप के इनलेट पाइप में मिल जाता है। चौथे कनेक्शन में पाइप से पानी इंजन के फ्री एंड पर लगे टर्बो सुपरचार्जर में जाकर टर्बो के गर्म पुर्जों को ठंडा करता है। वहां पानी की कुछ मात्रा वाष्प में परिवर्तित होकर स्टीम अक्यूमुलेटर में चली जाती है। शेष बचा पानी इंजन ब्लॉक की दाईं तरफ जाने वाले पाइप में मिल जाता है। स्टीम अक्यूमुलेटर में गर्म वाष्प पानी में परिवर्तित होकर वाटर पंप के इनलेट पाइप में मिल जाता है। एवं वाष्प वेंट पाइप के रास्ते से एक्सपेंशन टैंक में चले जाते हैं।